साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करते हैं भाई 23 मई फ्लाइट से रिलेटेड हम बात करेंगे, कितनी कंट्रियों से कितनी फ्लाइटें आने वाली हैं, इंडिया में कौन से स्टेट पे फ्लाइट लैंड करेगी, जो बाहर से फ्लाइट आएगी वो इंडिया वो वहाँ की कौन सी कंट्री से कौन से स्टेट से जो फ्लाइट आने वाली है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई देखिए, मैं बता दूँ आपको, पेज 2 वंदे भारत 2 23 मई को ख़त्म हो जाएगा। 23 मई के बाद में अभी तक गवर्नमेंट ने कोई घोषणा नहीं की है कि आगे फ्लाइट का शेड्यूल क्या रहेगा, तो हो सकता है 23 या 24 तारीख को शेड्यूल की घोषणा करे, क्योंकि पहले भी यही हुआ था भाई, 7 मई से 13 मई तक फ्लाइट थी तो लगभग 12 या 13 तारीख को घोषणा कर दी थी कि भाई आगे का पेच है वो 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है अभी जैसे मतलब 22 या 23 तारीख को गवर्नमेंट घोषणा करे कि भाई आगे आने वाले में संख्या भी बढ़ा दी जाती है। पहले वाले में मान लो 14-15 हज़ार लोग आए थे, नेक्स्ट में ये डबल कर दिया उसको, 30 हज़ार के करीब कर 30 हज़ार कर दिए, तो हो सकता है अब की बार लाख कर दे, क्योंकि फिर सिचुएशन कायम हो जाती है। दूसरी बात कि ये टाइम जो निकलेगा ना पहले वालों का 14 दिन में, तो उनको भी छुट्टी मिल जाएगी, तो उनकी जगह जो बेड स्पेस खाली होगा जो कोरोना क्वारंटाइन किया है, तो उसकी जगह फिर और भी ज़्यादा लोगों को लाया जा सकता है। या फिर ये भी हो जाता है भाई, इतना टाइम मिल जाता है तो गवर्नमेंट भी व्यवस्था कर लेती है क्वारंटाइन के लिए, क्योंकि 1 लाख लोग एक साथ आ जाते हैं तो उनको क्वारंटाइन भी करना जरूरी है, होटलों की व्यवस्था करना या फिर संस्थागत हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारी सरकार को सुविधाएँ देखनी पड़ती हैं। इस वजह से धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है, और हो सकता है भाई 23 तारीख से इंटरनेशनल फ्लाइट भी 31 तारीख से स्टार्ट हो जाए, 31 मई के बाद में जून में फर्स्ट में वो भी अगर ऊपर वाले ने चाहा, सिस्टम कंट्रोल में आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे साथियों, 4 कंट्री से 10 फ्लाइट आएंगी 23 मई को, 4 कंट्रियों से 10 फ्लाइटों का शेड्यूल दिया गया है। अब कंट्रियों का नाम और फ्लाइट का शेड्यूल और स्टेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बता देता हूं। फर्स्ट में साथियों बात करते हैं यूएई अबू धाबी। यूएई अबू धाबी से फ्लाइट निकलेगी, वो केरला कन्नूर, कन्नूर अब केरला का आपको पता है बड़ा हवाई अड्डा है, वहाँ पर ये फ्लाइट लैंड करेगी। नेक्स्ट फ्लाइट भी साथियों यूएई दुबई से है, जो ओडिशा भुवनेश्वर जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी। भुवनेश्वर समझ गए होंगे, ओडिशा की राजधानी है, वहाँ ये फ्लाइट लैंड करेगी। तीसरी फ्लाइट भी साथियों यूएई से ही है, दुबई से है, लेकिन ये केरला त्रिवेंद्रम यानी सब फ्लाइटें उधर से ही जा रही हैं भाई। चौथी फ्लाइट भी यूएई दुबई से ही है, लेकिन फ़्लाइट जाएगी केरला कोचिकोड़े, यानी फ़्लाइट उधर ही जानी है, इधर अपनी तरफ नहीं आ रही है। पांच नंबर पे बात करते हैं साथियों, रियाद सऊदी से रिलेटेड एक फ़्लाइट है, इसमें तेलंगाना हैदराबाद का शेड्यूल दिया गया है 5 नंबर फ्लाइट पे। 6 नंबर पे बात करते हैं साथियों, सऊदी से एक फ़्लाइट निकलेगी जो हैदराबाद, केरला और विजयवाड़ा, ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अब किस तरह से है वो फ़्लाइट के शेड्यूल पे डिपेंड करेगा, लेकिन सऊदी से फ़्लाइट दे रखी है 23 मई की डेट में। आगे साथियों आगे हम बात करते हैं 23 मई को ओमान मस्कत, मस्कत ओमान से जो फ़्लाइट निकलेगी वो केरला कोची के लिए है, कोची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी 23 मई को। आगे साथियों बात करते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से एक फ़्लाइट निकलेगी, पंजाब अमृतसर के लिए फ़्लाइट है, क्योंकि यूरोपीय कंट्री है तो भाई इधर के लोग ज़्यादा हैं पंजाब साइड के, तो एक फ़्लाइट पंजाब को दी गई है जो इमरजेंसी बंदे हैं उनको लाने के लिए, तो वो बंदे आएंगे 23 मई की डेट में ऑस्ट्रेलिया से। आगे हम बात करते हैं साथियों ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न, यहाँ से एक फ़्लाइट निकलेगी जो कर्नाटका बेंगलुरु से लैंड करेगी ये फ़्लाइट। जी हाँ साथियों, यानी मैंने आपको बता दिया 4 कंट्रियों से 10 फ्लाइटें आने वाली हैं, जिनका शेड्यूल इस तरह से है, पूरी डिटेल मैंने बता दी। 23 तारीख के बाद में आगे कोई शेड्यूल अभी तक है नहीं, जैसे ही कोई आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, जितनी भी जानकारी फ़्लाइट से रिलेटेड या और भी आती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो इससे रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।